नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN News। चंद्र राशि आधारित पुकार नाम अनुसार आज कैसा हो सकता है आपका दिन, तो चलिए जानते हैं राशि के अनुसार। मेष राशि, आज दूसरों के झंझटों में ना पड़े। पारिवारिक कार्यक्रमों में भागदौड़ अधिक होगी। नया वाहन मशीनरी पर धन खर्च होगा। जीवन साथी की चिंता रहेगी। वृषभ राशि, परिणय कार्य की रुकावटें दूर होंगी। अपने हुनर को दिखाने का अवसर मिलेगा। किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। माता पिता से अनबन संभव है। मिथुन राशि, निवेश शुभ रहने की संभावना के बीच संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल होंगे। प्रियजन से मन की बात बताने का अवसर मिलेगा। दिनचर्या व्यस्त रहेगी। पेट संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। कर्क राशि, अपने व्यवहार को नर्म रखें। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। परिवार में बुजुर्गों का साथ मिलेगा। यात्रा अनुकूल रहने की संभावना के साथ आज पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। सिंह राशि, नौकरी में अधिक परिश्रम की संभावना के बीच कार्यस्थल पर विवाद से बचे। निजी जीवन में भी तनाव के चलते निवेश में जोखिम ना उठाए। चोट व चोरी आदि से हानि संभव है। कन्या राशि, विवाह के लिए किए गए प्रयास सफल रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। निवेश शुभ रहने के साथ ही धन प्राप्ति सुगम होगी। संतान की चिंता रहेगी। विवेक से कार्य करें। तुला राशि, शुभ समाचार मिलने के साथ ही निवेश शुभ रहेगा, लेकिन भविष्य की चिंता रहेगी। किसी की जमानत देने का जोखिम ना लें। विवाद की संभावना के बीच पुरानी पीड़ा से ग्रस्त रहेंगे। वृश्चिक राशि, बेरोजगारी दूर होने के साथ ही नए कार्य की शुरुआत लाभप्रद रहेगी। मिजाज खुशनुमा रहेगा। इष्ट देव के आशीर्वाद से कार्य सफल होंगे। विरोधी परास्त होंगे। जीवन अध्यात्म की तरफ मुड़ सकता है। धनु राशि, समय रहते अपने कार्यों का विभाजन कर दे। विवाद से बचे। फालतू खर्च व अस्वस्थता के कारण मन खिन्न रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। मकर राशि, रुका हुआ धन मिलने की संभावना के बीच यात्रा से लाभ होगा। अपनी आदतों को बदलते हुए जो भी फैसला ले उस पर कायम रहें। संतान से विवाद संभव। कुंभ राशि, कार्यस्थल में बदलाव की संभावना के साथ ही व्यवसाय में नई योजना लागू होगी। अनाज तिलहन के निवेश नौकरी व यात्रा से लाभ होगा। अपनों से मन की बात कहने का अवसर मिलेगा। मीन राशि, नौकरी में भागदौड़ के बीच सोचे कार्य समय पर होने में मन प्रफुल्लित रहेगा। रचनात्मक कार्यों में रुचि रहेगी। घर परिवार में चल रहे विवादों के कारण चिंतित रहेंगे। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी। ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।